साथियों, समा फिल्म महाराजगंज राजन भाई के देखरेख में हम गायक कलाकार बियन साहनी एवं साथी अपनी बिरहा की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर पसंद करेंगे। हाय निरर्थक पुरुष तत्व संसार में जिसके औरस से पैदा नयो नाद हो, पिंड पानी तहकदार बनता नहीं, उसका परलोक कतई नया वाद हो। जल बिना सून रोशनी के बिना है अधूरा महल, जल बिना सून सरिता अधूरी रही, थे अधूरा मगध राज संतान बिन हो सकी उनकी आशा जब पूरी नहीं। ब्रह्मा प्रेमी भूमिका का भाव संकेत दे रहा है। मनुष्य दे ही पाने के बाद अगर उस पुरुष के द्वारा कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ तो पिंड पाने का अधिकारी नहीं हो पाएगा। कवि का कहना है निरर्थक पुरुष तत्व संसार में जिसके औरस से पैदा नहीं औलाद हो, पिंड पानी का हकदार बनता नहीं, उसका परलोक कतई ना आबाद हो। दूसरी लाइन में बताया गया, रोशनी के बिना है अधूरा महल, रोशनी के बिना है अधूरा महल, जल बिना सुनी सरिता अधूरी रही, थे अधूरा मगध राज संतान बिन हो सकी उनकी आशा जब पूरी नहीं। एक लाइन गीत के संकेत का चलना खुलल समय ज्यादा बीत गए। राजा सोचत हुमन ए राज से
से बढ़िया तो वनवास बा। महल के त्याग करके वन की ओर चल देलन। दोनों रानी भी साथ में चल रही। तीनों प्राणी जंगल में पहुंच के और भक्ति के शुरू कैलन। मालिक के कृपा भेल, नारद जी के आगमन हो गए शहर के संगत भैया। बच्चे के दो अंग दो जगह थे, आधे आधे भाग में दो जगह था। राजा को चिंता हुई कि रानियां इतना प्रसन्न झेली, इतना खुशहाल थी कि पुत्र पैदा होगा, लेकिन पुत्र पैदा हुआ लेकिन अधूरा हुआ। राजा को बड़ी अफसोस हुई, चिंता हुई, एक कूड़े में रख करके दोनों बच्चों को फेंकवा दिए, जंगल में फेंकवा देते हैं। मालिक की रजा, संजोग से राक्षसी पहुंचती है और दो भाग दो जगह बिखरा हुआ था। दोनों हाथों में लेकर के खाने के लिए मुख के पास जो ही करती है, दोनों भाग एक में सट जाता है और बच्चा हाथ पांव मरने लगता है। उस नरभक्षी राक्षसी को दया आ जाती है, सोचती है कि अगर ये बच्चा अपने स्थान पर पहुंच जाएगा उस घर में खुशहाली आ जाएगी। बच्चे को लेकर के और राक्षसी रूप को बदल करके साधारण औरत के रूप में लेकर दरबार में दाखिल होती है राजा के सामने। उस समय एक लाइन गीत बा, हारमोनियम मास्टर के संकेत बा हारमोनियम से। सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, हमारा बच्चा और जिंदा वापस आ गया।
महल में प्रसन्नता छा जाती है। राजा खुश होकर के कहते हैं तुम इनाम मांग लो, बड़ा ऊंचारा छिपा हुआ है इनाम शब्द में। राजा कहते इनाम मांग लो, कहती है कि सर इनाम, अपनी तरफ इशारा करती है कि इनाम। उस शब्द में कितना राजपा संकेत देती है कि जो हमारा नाम है, हमारे नाम से संबंधित बच्चे का नाम ई नाम होगा। बताती है हमारा नाम जरा है, पहले हमारा नाम होगा, हमारे द्वारा बच्चा जुटा है। तो जोड़ने का अर्थ होता है संधि माने जोड़, तो बच्चे का नाम होगा जरा राज सारा राजा के बताए दे। मगध नरेश ऊ है भैया अन्याई, बन गई ना दुश्मन जे कर कुंवर कन्हाई, जकरे भय से सारी दुनिया थर्राए कई, चर्चा विकसित हो गया, चारों तरफ फैल गया, कन्हैया के कानों तक आवाज पहुंचती है कि जरासंध बहुत ताकतवर है और अपना जोड़ा धरती पर खोद रहा है। एक रोज कन्हैया पांचों पांडवों को अपने यहां बुलाते हैं और एक मीटिंग रखते हैं। उसमें प्रस्ताव पास क्या होता है, एक लाइन गीत है भैया, अपने दुल्हा से कहले बाकी जितना हमें गवार समझत हुआ उतना ना है। एक सवाल कहले बा सैया हमें भुलावा, मन बहा
पांचों पांडवों के समक्ष ही बात रखलन। ए धरती पर एक बहुत बड़ा वीर और हमरी लोगन के खोजता, अगर कहीं बारी बारी पाई तो समाप्त कर दे। एनाते ओके खोजले से पहले हमन खुद मिल ले और ओकरे पौरुष के पता लगा ले, ताकत के पता लगल जा। लेकिन बात जरा संत के अंदर बुराई के साथ साथ एक अच्छाई भी बा, एक अन्यायी होने के साथ एक बहुत बड़ा काम उनके अंदर बा, का कि संत महात्मा के बड़ा आदर देलक। तो कन्हैया गलत तब तो मामला बोलल बा, चारों भाई तू लोग और हम पांच लोग साधु बन जाइए। अब जब साधु बन जाब तो वहां गैले खातिर कोनो परमिशन के जरूरी ना पड़े। बेस साधु बनाई ना, मगध नगरी में पहुंच गिलन, राजा के दरबार में दाखिल हो गिलन। राजा के बड़ी प्रसन्नता बाकी, अहो भाग्य एक ही साथ और छो छो महात्मा हमारी द्वारी पर पड़ डले हो। आज तो हम कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। जब कई जन्म के पूरी इकट्ठा हो ले तब संत महात्मा से मुलाकात हो ले, तब सेवा करे के मौका मिलेला। ए भैया बैठलन, खैले पीले का व्यवस्था होता, एक लाइन गीत लगल। संकेत वह हारमोनियम में शर दे थोन, कोनो प्रेमी प्रेमिका के बात बा, कोनो लड़की लड़का में प्यार हो गए, कुछ दिन के बाद बिगाड़ हो गई। तो जो लड़कवा लड़किया के देखे तो बोले ना, लेकिन कुछ गावे तो का गावे, बत्तिया बनवले रहलू हमें भर। मगध नरेश के दरबार में साधु के सेवा होता, आज सनल्ला का हले साधन कर हले। क्यों रिश्तेदार, क्यों शुभ चिंतक,
जो साथी दोस्त आवेला तेहर पैलगी हो यह लोग हाल चाल पूछे लगेला। लेकिन हमार शास्त्र पुराण बतावा था कि केव आगंतुक आवता भोजन पानी कराता जब आदमी स्वतंत्र हो जा तब हाल चाल ला। अब काहे ही बात कहल गई कि कहीं बेचारा दुखद संदेशा न लेके आई तो यहू उपवास हो जा। अब कितनी बड़ी सोच मगध नरेश के बा की भोजन करा के आसन दे दला लोग सुत गई रात में हाल चाल ले जात कौन। तो जब हाल चाल के बात आई तो महात्मा लोग हाथ उठा के इशारा संतुष्टि देते हैं कि सब कुशल है सब कुशल है। ऐसे कलम जब हथवा उठौला महात्मा लोग ते अंगुरिया पर नजर गए राजा मगध के अंगुरिया के देख के पूछ गेलन की साधु ना हो बारे विशेषक कितनी बड़ी उनके अंदर जानकारी रहल। अंगुरी पे आँख गले राज सब भाग गले तरफ महात्मा लोग कहें कि सब ठीक बा मगर नरेश अंगुरिया देख के आश्चर्यचकित रह गेले। कहले कि अरे ये तो छो साधु ना हुआ ये तो छलिया हुआ काहे कि लोगन के हथवा के अंगुलिया में निशान बा घट्ठा बा ये तो लगातार सब लड़ाकू हो ललकर लड़की सावधान परिचय दा लोगन क्या हुआ बिरहा के लाइन लगल भैया ढेरी से अरे बहाना सब बेकार हो गया हो बहाना सब बेकार हो गया संत मत कोई बात छुपाना जरा संत ललकार के साधा आप लोग साधु के बेस बनौले हुआ ई जानकारी हो गए लेकिन अब परिचय दत्त लोग हवा के आसन पर साधु बैठ गए आसन पे साधु बैठ गए और आज जरा संत ललकारा है पांच तो छत्री बालक है परिचय क्या छठा तुम्हारा है जरा संत कहो कि पांच तो छत्री लड़का हूं छत्री बालक हूं लेकिन तुहार परिचय का है कन्हैया से कहल कि तुहार परिचय का है छठवा का कन्हैया का बोले मनमोहन हंस करके अरे बोले मनमोहन हंस करके हम युद्ध दान के भिक्षुक हैं कन्हैया कहलो कि हम कृष्ण हई और हम लोग भिखारी है के तू का भिखारी युद्ध का भीख मांगत हई बोले मनमोहन हंस करके हम युद्ध दान के भिक्षुक हैं मनमोहन पांचों पांडव तुमसे लड़ने को इच्छुक हैं कलो हम कृष्ण हई ई पांचों भाई पांडव हो बोले मनमोहन हंस करके हम युद्ध दान के भिक्षुक हैं मैं मनमोहन पांचों पांडव तुमसे लड़ने को इच्छुक हूँ बोलो क्या राजा तुम्हारी है और बोलो क्या राजा तुम्हारी है ठहरे या घर को जाए पूछो तू कि तुर दिल में का बा कि बोलो क्या राजा तुम्हारी है अरे ठहरे या घर को जाए हो गया बहुत दिन युद्ध किए या और कहीं जाए अजमाए कन्हैया कहा कि बहुत दिन भर लड़े के ना मिलल
अगर हाँ कहा तो नाइट रात ही बितावल जा और ना प्रस्थान कर जा। ए भैया जो रोगिया चाहे तो उन वैद फरमावे। कहल कि आप लोगों का सादर स्वागत बा, आप लोग आराम करी, सवेरे आप लोगों के इच्छा अनुसार काम होई। इच्छा पूरा हो जाई। पोहपट के लाइन में कहे जान की मनसाया जब पुराई मधीर जब मती खोवा अरे जैसे चाह लोहा हम लजमाई मधीर जब मती कन्हैया के पहले ही लाइन से बोल के कि पहले तो तू बगले हो जाए ही रहवा छतरी से खाली छतरी लड़ सकेला। कहे तू कलड़पा यही रहवा ओ छोटकन के छोड़ा बात हो ओ धर्म राज है जन्म के कायर दुधाय अर्जुन के दांत हो। कहे कई मर्द में लगत हो लड़े लायक उहो भीम तो भीम से मले युद्ध होई अरे मले युद्ध में भीम से हाथ मिलाई में धैर्य मती खोवा अरे मले युद्ध में भीम से हाथ मिलाई में धीरज मती खोवा अरे आजा कुटी लता के कुल मजा चखाई में धीरज मती खोवा। सवेरा भेल मले युद्ध के तैयारी हो गेल अपनी मने मने सोचत हुन मगर नरेश जरा संग इहे सोचत हुन कि खाली आज तक धरती पर नाम सुनतली पांचो पांडव के अहो भाग्या दर्शन हो गेल अरे असरा लगवले रहली कहिया होई भेटिया ये भैया कन्हैया जी खुद घबरा गेलन लगत मामला बड़ा गंभीर बा अगर और समय लगी तो कहीं भीम में खोजी। 14वां दिन मालिक के कृपा भेल संजोग घटल कि दाव पेच के दौरान काला जंग दाव मार के भीम पटक के छाती पर बैठ गेलन
जब भीम छाती पर बैठल होन तो कन्हैया जी सिरहाने की तरफ होन और भीम के चेहरा भगवान के सामने बा, जरा संद नीचे हुन, कन्हैया के इशारा भेल कि दोनों जंघिया चीरता। कन्हैया ये बाती से अवगत रह कि जरा संद के दहिया जोड़ल बा, तो भीम के इशारा भेल दोनों जंघिया चीरता और चिल्ले के बाद फेंक दा। जैसन का इशारा भेल वही मुताबिक भीम काम के लिए खड़ी के लाइन बा। चीर के फेंके भीम बली फिरौआ के सट गए, चीर के फेंकलन अपनी ताकत के मुताबिक दूर तक गए दोनों भाग, लेकिन फिर बड़ी तीव्र गति से आके सट के फिर खड़ा हो गए। चीर के फेंक के भीम बली फिरौआ के सट गए, अरे घबरा गईले भीम भलाई कैसन घटना घट गए, प्रेमी जरासंध के सरिया चीर के भीम फेंकलन फिरा के सट के खड़ा हो गए लड़े लगल। भगवान कृष्ण सोचत हूँ कि एकरे मोरे के दूसरा कौन विकल्प हो सकेला, ए भैया दोबारा फिर संजोग से भीम पटक के छाती पर बैठ गेलन, एक ठे तिनका उठा के कन्हैया जी हाथ में लेके वही जगह से तिनका के है तरी पकड़ के चीर के है तरी सारा के, कि मतलब ए हाथे के ए हाथे के मतलब शरीरिया के अंगवा जोन बा विलोम हो जा, उल्टा हो जा, शक्ति छीण हो जाई। त्रिन उठा के मनमोहन चीरे उल्टी दिशा में फेंके, त्रिन उठा के मनमोहन चीरे उल्टी दिशा में फेंके, अरे समझ गए संकेत भीम चीर के लगल देखे तब फिर न उठल सायतनवा लड़ी जरासंध के जीवन लीला समाप्त हो गए। अब वो मगध राज्य के मिलल आखिरी लाइन में परिचय दहल गई। जरासंध के अंत भयल यस लग्न जीव तुलिहल, जरासंध के अंत भयल यस लग्न जीव तुलिहल, अरे मगध देश से उधारी गुरु देव कुंवर के दहल हो, बहाना सब बेकार हो गया, अरे बहाना सब बेकार हो गया, बेचन पियन सहानी गुरु चरण